जिले के गोगरी प्रखंड के इठहरी पंचायत में किसानों को बिहार राज्य फसल योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। वहीं सूत्रों के मुताबिक जानकारी के अनुसार किसान सलाहकार पल्लवी देवी फर्जीवाड़ा तरीके से कार्य कर रहे हैं, जिसके चलते ग्रामीण किसान बंधुओं ने इसकी शिकायत तमाम आला अधिकारी समेत लोग शिकायत निवारण में भी की, जिस पर अभी तक कोई जांच नहीं पाई गई है। ऐसे में स्थानीय ग्रामीण बंधु सरकार से इस पर तुरंत जांच की गुहार लगा रहे हैं। नमस्कार, मैं सद्दाम हुसैन और आप देख रहे हैं साधना न्यूज। इस वक्त मेरी मौजूदगी जिले के इटहरी पंचायत में हूं, जहां किसान सलाहकार पल्लवी देवी द्वारा फर्जीवाड़ा तरीके से कार्य किया जा रहा है। जैसा कि यहां पर सूत्रों से मुताबिक जानकारी प्राप्त हो रही है और यहां पर किसान भाई बंधु इस लाभ से वंचित है और इसकी शिकायत यहाँ के तमाम आला अधिकारी समेत लोक जन शिकायत को भी दी गई, पर अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हो पाई है। तो अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ यहाँ पर इटहरी पंचायत के अन्य ग्रामीण बंधु हैं, जो किसान भाई बंधु हैं, उनसे मैं जरा बात करता हूं। हमारे साथ कैमरामैन थोड़ा नजदीक आइए और क्या कुछ कहना चाहते हैं, आखिर क्या मामला है आप लोगों का और ये आवेदन आप लोग कब से लगातार दे रहे थे? जैसा कि देख पा रहे हैं एसडीओ सर और यहाँ के तमाम आले अधिकारी को आप इसकी शिकायत किए हैं, पर अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हो पाई है। जैसा कि आप लोग बता रहे हैं, वेलकम। अरे क्या नाम हो आपका? मेरा भविष्य कुमार सिंह जी। क्या कहना चाहते हैं? मेरा कहना यही है कि पल्लवी देवी जो किसान सलाहकार है, करीब 3 से 4 महीना होने जा रहा है, आवेदन देते देते थक गए, दौड़ते रह रहे हैं, इस पर कार्रवाई नहीं किया जा रहा है और कहते कहते हुए ही चाहता है किसी तरह कंप्रोमाइज हो जाए। हम कंप्रोमाइज करना नहीं चाहते, सीधी सी बात, इस पर कार्रवाई होना जरूरी है जी। सख्त। और भी यहाँ पर अन्य किसान बंधु है, जरा उनसे मैं बात करता हूँ। चाचा आपका वेलकम। क्या नाम हो आपका? नाम हुआ शंकर शरण सिंह जी। इस मामले के बारे में आपका क्या बयान है? वो सलाहकार जो है पल्लवी देवी जी, वो लूज खटोस कर रही है और उसको एक धूर जमीन नहीं है और वो अपना अपना भी लेती है और अपने हस्बैंड का भी लेती है और अपने बेटा का भी लेती है और अपने परिवार का टोटल लाभ ले लेती है, लाभ ले लेती है और उसको एक धूर जमीन नहीं है। हम लोग जो जमीन वाले हैं उसको अभी एक रुपया मिलने का कोई उपाय नहीं है। ये सारा लूट खसोट है इस जिला में। देख पा रहे हैं हमारे दर्शक भी देख पा रहे हैं, जो वैध किसान है, जो वास्तविक में किसान है, उन लोगों को ये लाभ नहीं मिल पा रहा। किसान भाई बंधु लगातार वंचित हैं, जहां किसान सलाहकार के परिवारजन इसका लगातार लाभ उठाते आ रहे हैं और इसकी शिकायत स्थानीय किसान बंधु लगातार यहां के आला अधिकारी को भी दी गई, पर इस पर अभी तक कोई त्वरित कार्रवाई और जांच संबंधी कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। और क्या कुछ कहना चाहेंगे? और बस इसका कार्रवाई होना चाहिए। यहाँ सब लूट खसोट हो रहा है, यहाँ के सब अफसर सब भी मिले हुए हैं। लूट घसोट का मामला यहां पर प्रकाश में बताया जा रहा है सूत्रों से मुताबिक और लोगों में लगातार इस मामले को लेकर आई के आक्रोश बनता चला जा रहा है। और यहां पर स्थानीय भाई बंधु हैं, जरा बात करता हूं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है आपका? पंकज कुमार सिंह जी। सबसे पहले इटहरी पंचायत में आपका स्वागत है जी। पत्रकार महोदय से जी, कहना चाहते हैं कि जनता दरबार जो गए हैं अभी तक वहाँ से निर्णय का ना आता है सर जी, इसलिए हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि 6 महीनों से ऊपर देने का पेपर देने का अथी हो चुका है, इस पर कोई कार्रवाई नहीं आज तक कुछ भी नहीं कर रहा है कोई पदाधिकारी। खाली आके जो भी है यहाँ के टोटल मेंबर आके कहते हैं उससे मिल लीजिए, अथी कर लीजिए, यही से अथी करते हैं, बार बार कंप्रोमाइज के भी संपर्क करते हैं। बहुत जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और यहाँ के तमाम आले अधिकारी को इसकी जानकारी दी गई, जानकारी ही नहीं बल्कि साक्ष्य के आधार पर जानकारी दी गई और अभी तक इस पर कोई त्वरित कार्रवाई नहीं हो रही है, जांच संबंधी नहीं। और दूसरी तरफ जैसा कि बताया जा रहा है किसान सलाहकार पल्लवी देवी अपने परिवार को सारा लाभ दे पा रही है और बाकी बाकी जो किसान बंधु हैं, जो वास्तविक में किसान बंधु हैं, उनको ये लाभ नहीं मिल पा रहा है, इस लाभ से लगातार वंचित हैं। और साक्ष्य के आधार पर यहाँ के तमाम आला अधिकारी को जानकारी दी गई साक्ष्य के साथ, पर इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। आखिर कौन है इसके जिम्मेदार? और भी यहाँ पर भाई बंधु है, जरा उनसे बात करता हूँ। आपका हमारे चैनल में स्वागत। क्या नाम आपका? आपका नाम रोजी प्रसाद सिंह जी। आप क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे यहाँ जो सलाहकार मैंने नियुक्त किया गया है वह सलाहकार अपने पेट भरने के चक्कर में रहता है, किसान को कुछ नहीं देना है, समझ गए ना। हम लोग 3 मरतबे आवेदन मैंने भरे और 3 मरतबे में 1 मरतबे भी मेरा अथी नहीं हुआ। और पल्लवी देवी सुनिए, पल्लवी देवी और दिखाइए हमारे, देखिए देखिए यहाँ पर साक्ष्य के आधार पे भी और भी कागजात है, यहाँ पर तमाम आला अधिकारी को दिया गया है, यहाँ पर देख पा रहे हैं लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को भी दिया गया है, देख सकते हैं सारे रिसीविंग है। और इस मामले को लेकर लगातार ग्रामीणों में एक आक्रोश बनता चला जा रहा है और इस पर त्वरित कार्रवाई करने के लिए लगातार किसान बंधु गुहार लगा रहे हैं।
तो आज हमारे साथ बने रहिए खगड़िया से संवाददाता सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं सद्दाम हुसैन और आप देख रहे हैं साधना न्यूज। इस वक्त मेरी मौजूदगी जिले